नमस्कार दोस्तों मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का अखिल आई एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के साथ सभी साथियों के साथ और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि क्लास आपकी दो दिन नहीं चल पाई है आज दूसरा दिन है और क्लास चूंकि देखिए क्या होता है ना कि क्लास तो कंटिन्यू के लिए मैं जैसे कल आपकी क्लास शेड्यूल कराई गई थी तो क्लास शेड्यूल कराने के बाद शायद मुझे दस मिनट रह गया था स्टूडियो आने में और तुरंत जो है एक अचानक से इमरजेंसी कॉल आया और फिर मुझे बाहर जाना पड़ा था तो कल आपकी क्लासें नहीं चल पाई थी और उसी काम के सिलसिले की वजह से आज भी जो आपकी क्लास तीन बजे स्टार्ट होनी थी इस हिस्ट्री की वो भी अभी समय से स्टार्ट नहीं हो पाई है तो अब चूँकि मैं काम से फ्री हो गया हूँ ठीक है तो अब आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी और हमारे साथी सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो और जिन तक अभी जिन लोगों तक क्लास नहीं पहुंची है उन लोगों तक क्लास की लिंक पहुंचा दो ठीक है ये आप लोगों का काम रहेगा और जस्ट मुझे एक मिनट का समय दीजिए उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ाते हैं चले तो आज हमारा भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न पुरा पाषाण काल का है हम बस एक मिनट का वेट करेंगे जो साथी आ जाएंगे ठीक है नहीं आएंगे तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं ठीक चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के सेशन को जो लोग आ गए हैं बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन है और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी जो है क्लास में धीरे धीरे करके ऐड हो जाएंगे ठीक है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों ये अपना बैच ऑफलाइन चल रहा है जो लोग अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं करे हैं मैं उनको फिर से कहूँगा कि इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए ऑफलाइन क्लास है बहुत दमदार तरीके से है ये मेरा पर्सनल डिटेल है जो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहें वो इन्हें फॉलो करके मुझसे ऐड हो सकते हैं जोड़ सकते हैं ठीक है तो चलिए आज हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है वैसे हम लोग समझ चुके हैं कि जो इतिहास का पाषाण काल है उस पाषाण काल को हमने कई पार्ट में अध्ययन किया है यानी कई पार्ट में जो है डिवाइड किया है तो इसी दौरान जो है पाषाण काल को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है पूरा पाषाण काल भी उसी का एक टॉपिक है जैसे पाषाण काल तो पाषाण काल को मुख्य रूप से हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था नंबर फर्स्ट पुरापाषाण काल नंबर सेकेंड मध्य पाषाण काल और नंबर थर्ड पाषाण काल लेकिन जब हम दोस्तों अध्ययन करते हैं पुरापाषाण काल का तो पुरापाषाण काल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहला है हमारा निम्न पुरापाषाण काल फर्स्ट है निम्न पुरापाषाण काल सेकेंड है हमारा मध्य पाषाण काल और थर्ड है हमारा उच्च पाषाण काल ठीक है यानी आपको ये दो शब्द लगे बस ये लगा के पूरा ये लग देना निम्न पाषाण काल मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल ठीक है ऐसे आपको जो है काम करना है बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी लोग जो लोग अभी क्लास में नहीं है ठीक है उनको क्लास में जरूर लाइएगा शेयर सभी के पास करिए क्लास को मैं आज आप लोगों से बार बार यही एक सब जो है कहूँगा कि क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा क्योंकि आज बहुत कम दोस्त जो है जुड़े हैं और इसलिए भी देखिए एक कारण ये भी हो सकता है कम लोगों के जोड़ने का क्योंकि क्लास आज एक अपने अलग शेड्यूल पर स्टार्ट हुई है जिस शेड्यूल से क्लास स्टार्ट नहीं होती थी और मुझे लगता है कि अभी टेलीग्राम में लिंक नहीं डाली गई है तो जस्ट वेट करिए दोस्तों दस सेकेंड का मैं टेलीग्राम में क्लास की लिंक शेयर कर देता हूँ और फिर हम लोग जो है क्लास को लाइक like नहीं रुकना चाहिए आप लोगों के लाइक like भी नहीं है दोस्तों यहां कंजूसी मत करिएगा लाइक like, यस yes, चलिए मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर तो जो लोग अभी तक नहीं जोड़ पाए थे अब वो शायद टेलीग्राम पर जो लोग वेट करते हैं लिंक आने का और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह भी दिया था कि टेलीग्राम पर वेट करने से बेटर है कि आप जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ग्रुप में आइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी ठीक है तो हम लोगों ने ये सब समझ लिया था अब हमारा जो मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक होने वाला है एक बार का कर, वेट करिए दोस्तों चलो तो सॉरी दोस्तों अब देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको यस yes. तो यहां पर हमें दो संस्कृतियों का अध्ययन करना है जब हम निम्न पूर्व पाषाण काल को डिस्कस करेंगे ठीक है आप लोग बार बार मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि सर बहुत फोन आ रहे हैं कभी आप जो है गायब हो जाते हैं तो निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल तो इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे मतलब इसका जो अध्ययन होगा वो हमारा दो संस्कृतियों के आधार पर होगा नंबर फर्स्ट होगी जो हमारी संस्कृति वो जानी जाती है सोहन संस्कृति के नाम से सोहन संस्कृति और दूसरी जो हमारी जानी जाएगी हालांकि ये यार नदी घाटी के क्षेत्र में पाई गई है लेकिन जैसे पंजाब के पास में जो संस्कृति मिली जो लोगों के रहन सहन के अवशेष मिले या जो उनके उपकरणों के अवशेष मिले जो उनके औजारों के अवशेष मिले उसको हमने उसकी नदी के आधार पर नाम दिया सोहन संस्कृति लेकिन दक्षिण भारत की परंपरा में अभी ऐसा नहीं हुआ है दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उनको हमने उपकरणों के अर्थात औजारों के आधार पर नाम दिया है जैसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे हैंड एक्स संस्कृति क्योंकि यहाँ पर हैंड ऐग्स हैंड एक्स का मतलब अक्षर जो है यहाँ पर उपकरण ऐसे हुआ करते थे जो हाथों तो से प्रयोग करके शिकार किया जा किया जाता था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो उपकरण मिले हैं वो फलकदार तो होते ही थे लेकिन फलकदार होने के साथ साथ जो कोर हुआ करता था कोर वाले होने के साथ साथ यहां पर ऐसे उपकरण मिले जो कुल्हाड़ी जैसे हुआ करते थे ठीक है तो इस कार से इसको हमने नाम दिया है कुल्हाड़ी के जैसी की जो है संस्कृति तो इसका जो है नाम दिया गया है नमस्ते तो जो है ये नाम दिया गया आज हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक होने वाला है सोहन संस्कृति और हैंडैग संस्कृति इन दोनों को लेकर के होने वाला है तो टॉपिक में हेडिंग डाल दीजिएगा सोहन संस्कृति ठीक नोट्स डाल दीजिए अपने नोट्स में सोहन संस्कृति सोहन संस्कृति इसी को हम लोग चापर चापिंग पेबुल या बिदायड़ी के नाम से भी जानते हैं चापर चापिंग बिदारणी या चापर चापिंग पेबो संस्कृति के नाम से भी इसी को जानते हैं तो इस संस्कृति के बारे में हमें अध्ययन करना है सोहन संस्कृति अब सोहन संस्कृति के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो एक इसमें ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो क्षेत्र है ये फैला कहाँ था ये हमारे भारत के जो हमारे भारत का मैप शायद आप लोगों को दिखेगा और नहीं दिखेगा तो ठीक है आप लोग समझ समझिएगा तो चूंकि जानते हैं आप लोग कि ये हमारे पूरे भारत का मैप है और भारत का ये जो एरिया है वो तिब्बत वाला है ये जो एरिया है पाकिस्तान वाला है और ये वाला जो एरिया जो हमारा पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये भारत का है एक मिनट चले तो यहां हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पूरा भारत का ये मैप है इस भारत के मैप में लगभग लगभग तो देखिए ये आज जहां पाकिस्तान है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी हमें निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं ये जो हमारा कश्मीर जहां जहां पर मैं ये मार्क करता जाऊंगा वहां पर समझिएगा उन राज्यों में जो है हमें निम्न पूर्व पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं ठीक इसी प्रकार से हम भारत के पंजाब वाले भाग में देखेंगे तो हमें प्रमाण मिले हैं हम हिमाचल वाले भारत, भारत भाग में देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश का स्पेशली कांगड़ा कांगड़ा जो क्षेत्र है इस कांगड़ा से भी हमें प्रमाण मिले हैं राजस्थान के चित्तौड़ से हमें प्रमाण मिले हैं गुजरात के दो नदी घाटी हैं एक तो माही नदी घाटी है और दूसरी गोदावरी नदी घाटी है यदि आप लोग अपने नोट्स में इंडिया का मैप बना सको तो जो जो मैं नाम बोलता चला जा रहा हूँ नोट्स में आप लोग उनको जरूर लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बोला जम्मू कश्मीर की लिदर नदी घाटी ठीक है हिमाचल का कांगड़ा क्षेत्र पंजाब की सोहन नदी जिसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है पूरा सोहन नदी के अंतर्गत पांच वेदिकाएं हुआ करती थी और उन पांचों वेदिकाओं का हमें बारी बारी से अभी अध्ययन करना है ठीक है राजस्थान का चित्तौड़ वाला एरिया चित्तौड़ क्षेत्र गुजरात का वो क्षेत्र जो माही नदी घाटी के अंतर्गत था और साबरमती नदी घाटी के अंतर्गत था इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र ये निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं निम्न पूर्व या निम्न पुरा निम्न पुरा पाषाण काल के स्थलों पर दोस्तों अभी चर्चा कर रहे हैं कि भारत में निम्न पुरा पाषाण काल कहां कहां पर जो है स्थित था इसी प्रकार से जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी बेलन नदी घाटी और जो है सिंगरौली सिंगरौली जो क्षेत्र सिंगरौली का कुछ क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के नज़दीक है यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जो सिंगरौली जिले के अंतर्गत है वहां का कुछ क्षेत्र और बेलर नदी घाटी बेलर नदी घाटी स्पेशली इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में पड़ती है तो यहाँ का कुछ क्षेत्र जो है निम्न पूर्व पाषाण काल से है इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो तमिलनाडु है तमिलनाडु का पल्लावरम तमिलनाडु का पल्लावरम और आतिरम पक्कम ये यहाँ से रहेगा ठीक यहाँ पर रहेगा और यही ये जो दोनों क्षेत्र है नदी घाटी में है ठीक है इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में देखेंगे काल से है। अभी हम पूरा करेंगे कि किसका संबंध सोहन संस्कृति के साथ है और किसका संबंध जो हैडेक संस्कृति के साथ है तो दोनों को डिफाइन करेंगे दोनों को समझेंगे ठीक है तो पूरे भारत में लगभग लगभग आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक निम्न पूर्व पा, जो पाषाण काल की संस्कृति है वो फैली हुई थी निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर अब विद्वानों का यहां पर मतभेद मतभेद होता है विद्वान क्या करते हैं जी पंजाब वाला जो क्षेत्र है यहां पर इस पंजाब वाले क्षेत्र में दोनों प्रकार की संस्कृतियां मिली हैं सोहन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं और हैंडेक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं तो कुछ विद्वानों का मानना यह है कि पंजाब वाला जो क्षेत्र था इस पंजाब वाले क्षेत्र में हैंड संस्कृति का प्रचार चुकी दक्षिण भारत से जाने के बाद यहाँ पर जो है लोगों ने किया यानी मानव दक्षिण भारत से आ, मद्रासी संस्कृति से मानव निकला होगा और ये निकल करके पंजाब पहुँचा और पंजाब में जो सोहन नदी घाटी के वेदिकाएं हैं स्पेशली जो दूसरी वेदिका के प्रमाण मिले हैं उस दूसरी वेदिका से हमें जो है हैंड्स के प्रमाण मिलते हैं जो एक चौंतरा नामक चौंतरा एक स्थान है ठीक है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है इस चौतरा नामक स्थान से ये सारी चीजें मिली हैं इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चौतरा जो है जम्मू कश्मीर में चौतरा जो एक स्थान है, है आ, सोहन संस्कृति के अंतर्गत ये दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति और उत्तर भारत की सोहन संस्कृति का मिलन क्षेत्र था मिलन केंद्र था ठीक दोनों का मिलन केंद्र था हाँ बिदारणी निम्न पुरा पाषाण काल का जो है उपकरण है बिल्कुल सही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और चापंग चापर चापिंग बिदारणी संस्कृति बोलते हैं निशा ठीक है चापर चापिंग बिदारणी संस्कृति या कहीं कहीं लिखा रहता है पेबुल संस्कृति ठीक है तो उपकरणों के आधार पर संस्कृतियों का नाम दिया गया है जैसे दक्षिण भारत की जो संस्कृतियाँ हैं उनका नाम उपकरणों के आधार पर दिया गया है जो उपकरण होते हैं जैसे हैंडेक संस्कृति ठीक कितनी बार आप लोगों को बताया गया है फिर भी आप लोग भूल जाते हैं तो पूरा मैप जो है आपके दिमाग में होना चाहिए पूरा उतरते क्रम में ऐसे ठीक है पंजाब की सोहन नदी घाटी जो सोहन नदी घाटी का, का है यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं जम्मू कश्मीर की लिद्दर नदी घाटी में पहाड़ गांव गाम नामक एक स्थान है वहाँ से मिले हैं हिमाचल के कांगड़ा से प्रमाण मिले हैं राजस्थान के चित्तौड़ से प्रमाण मिले हैं गुजरात की माही नदी तथा धार जो है साबरमती नदी से प्रमाण मिले हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा और सोन नदी घाटी से प्रमाण मिले हैं उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी जो कि इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिले में वहाँ से प्रमाण मिले हैं जो आंध्र प्रदेश का एक जगह है नेल्लूर यहाँ से प्रमाण मिले हैं तमिलनाडु की कोतल्यार नदी घाटी है यहाँ से मिले हैं और कोतल्यार में स्पेशली देखेंगे तो पल्लावरम और अतिरम पक्कम ठीक है तो ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को एक स्थल के रूप में इंट्रो करा दिया है कि कहाँ कहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल मिले यदि आपको कभी मैंस में आउटलाइन करना पड़ जाए लिखना पड़ जाए मान लेते हैं तो आपको पता तो रहे कम से कम कि कहाँ कहाँ पर जो है पूरा का पूरा निम्न पुरा पाषाण काल का मानव निवास करता था क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज के लिए होना बहुत जरूरी है ना केवल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बल्कि मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो चीज़ें होते हैं अब इसका जो हम अध्ययन करेंगे सोहन संस्कृति में तो सोहन संस्कृति का ये जो भारत की इंडियन मैप वाले भाग को देखेंगे स्पष्ट रूप से तो जो नदी वाला क्षेत्र था सोहन नदी तो इनमें दो विद्वानों के नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए जो लगभग लगभग इससे जुड़े ही हैं पहला नाम आप लोगों को याद रखना है डी एन वाडिया यानी सोहन नदी के अंतर्गत जो उपकरण मिले हैं ठीक है इन उपकरणों की खोज करने वाले विद्वान कौन थे तो नंबर फर्स्ट में आप लोगों को याद रखना है डी एन वाडिया नंबर सेकंड में रखिएगा के आर यू टाड के आर यू टाड टाड ने क्या किया था इन्होंने एक स्थान पड़ता है इसी सिंधु नदी आ, सोहन नदी के अंतर्गत जिसका नाम है पिंडी घेव इस पिंडी घेव स्थान पर इन्होंने जो है स्पेशली अपना उत्खनन कार्य कराया था इनका जो मुख्य रूप से अध्ययन था सोहन संस्कृति के अंतर्गत के आर यू टाड का इन्होंने पिंडी घेब के जो क्षेत्र में वहां पर किया था और तीसरे विद्वान का नाम याद रखिएगा वो हैं आपके डी टेरा ठीक है डी टेरा तो ये तीन विद्वान है दोस्तों तीनों विद्वानों का नाम याद रखना डी एन बाडिया साहब 1928 में ये उत्खनन किए थे ये थर्टी में उत्खनन किए थे और डी टेरा साहब नाइनटीन में उत्खनन किए हैं यहाँ पर तो इन तीन विद्वानों का नाम आपको बड़े आदर के साथ याद रखना है क्योंकि यही वो हैं जो हमारे एग्जाम में कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं तो इन तीन विद्वानों को पहले हम लोगों ने जगह देख ली कि कहाँ कहाँ पर विस्तृत था दूसरा हमने विद्वान देख लिए अब हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ से मिला क्या क्या है ठीक है मिला क्या क्या है अभी संख्या बहुत कम है संख्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ठीक है क्लास हम मानते हैं कि जो है आज एक नए टाइम पर स्टार्ट हो रही है लेकिन क्लास को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि क्लास सभी तक पहुँचे ठीक है तो ये सभी विद्वानों का नाम याद रखना अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सोहन संस्कृति के अंतर्गत वास्तव में हुआ क्या क्या था ठीक है एक्चुअल में ये जो सोहन संस्कृति पढ़ रहे हैं इसमें किस प्रकार के उपकरण मिले और किस प्रकार के जो है ये सारी चीज़ें जो है धीरे 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 एक सभ्यता के रूप में आ गई ठीक है अब यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां जो हमारी सोहन संस्कृति है इस सोहन संस्कृति में दोस्तों पाषाण काल के कई सारे उपकरण मिले हैं यानी यहां पर हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सोहन संस्कृति है इस सोहन संस्कृति का वो दौर याद करिए दोस्तों या वो दौर कल्पना करिए क्योंकि मैंने आप लोगों को पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास बताया है तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में वो दौर जब हमारी धरती पर हिमयुग थे ठीक है हिमयुग और ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती पर पांच हिमयुग हुए हैं ठीक है पांच हिमयोग और इन पांचों हिमयोग में पांचों हम में मजेदार बात है आप लोगों को याद करने के लिए कि हमारी सोहन नदी के अंतर्गत पांच वेदिकाओं का निर्माण हुआ है कितनी वेदिकाओं का निर्माण हुआ पांच वेदिकाओं का निर्माण हुआ है सोहन नदी के क्षेत्र में पांच हिमयोग में पांच वेदिकाओं का निर्माण हुआ बस इतना हिमयोग था उसमें किसी भी प्रकार की कोई वेदिका का निर्माण नहीं हुआ लेकिन जो दूसरा हिमयोग था सेकेंड वाला ठीक है दूसरे हिमयोग में पहली वेदिका का निर्माण हुआ दूसरे हिमयोग में पहली वेदिका का निर्माण हुआ वेदिका का मतलब ये कि ये किनारा ऐसे समझ लो किनारा बहुत बड़ा किनारा था जैसे आज आप द्वीप समझ सकते हो एक छोटा सा द्वीप होता है तो नदियां अपने ही जो किनारे होते हैं उसके अंतर्गत एक वेदिका टाइप का एक बड़ा सा जो है क्षेत्र है वो वेदिका टाइप का होता है तो उस वेदिका में सोहन नदी के अंतर्गत ऐसे पांच बड़े बड़े क्षेत्र मिले हैं जिन्हें वेदिका का नाम दिया गया है तो उन क्षेत्रों में कई प्रकार के जो है उपकरण मिले हैं कई प्रकार के उपकरण तो ये जितने भी उपकरण हैं यहाँ पर वो दोनों विद्वानों के नाम याद रख लो पहला तो डीएन बाडिया और दूसरा केआरयू टार डीएन बाडिया और केआरयू टार और इसके अलावा इसके अलावा ये जो पांच वेदिकाएं हैं इनके अलावा कश्मीर की लद्दाख घाटी से अब समझना है यहां पर कश्मीर की लद्दाख घाटी से लेकर के साल्ट रेंज तक साल्ट रेंज तक अध्य विस्तृत अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो हैं डी टेरा डी टेरा यानी सोहन संस्कृति के अंतर्गत सोहन की सोहन नदी घाटी की पांच वेदिकाओं का अध्ययन या उत्खनन कार्य कराने वाले जो विद्वान हैं, उनका नाम आएगा डी सॉरी डी एन बाडिया और जो है के आर यू टाड लेकिन कश्मीर की लिदर घाटी से लेकर के साल्ट रेंज तक निम्न पुरापाषाण जो स्थल हैं या इनके जो उपकरण हैं, इनका अध्ययन करने वाले जो विद्वान होंगे वो होंगे हमारे डी टेरा साहब इन्होंने अध्ययन किया है अब यहां पर इन्होंने जब पहली वाली वेदिका का उत्खनन कराया पहली वाली वेदिका का जब उत्खनन हुआ तो वहां से हमें क्या क्या मिला फर्स्ट वेदिका यानी दूसरे हिमकाल में जो वेदिका मिली इस पहली वेदिका से तो पहली वेदिका से जितनी भी चीजें मिली दोस्तों उन वेदिका से मिलने के पहले यहां पर एक स्थान मिलता है हमें एक मैदान मिलता है ऐसा मानते हैं कि जब ये दूसरा हिमयुग था दूसरा हिमयुग था तो दूसरे हिमयुग के समय बड़ी भयंकर बारिश हुई और स्पेशली शिवालिक वाला जो क्षेत्र शिवालिक पुष्पल शिवालिक का जो क्षेत्र होता है पुष्पल शिवालिक के क्षेत्र में बारिश हुई और उस बारिश के पश्चात कई सारे कांगलो कांगलो मरेट इनका पूरा नाम होता है बोल्डर कांगलो मरेट तो बोल्डर कांगलो मरेट जो स्थान है या मैदानी क्षेत्र है इनका निर्माण हुआ बोल्डर कांगलो मरेट स्थानों का या मैदानी भागों का निर्माण हुआ अब आप लोगों के लिए एक नया शब्द होगा ये सर बोल्डर कांग्लो मरेट क्या है तो बोल्डर कांग्लो मरेट ऐसे मान लो कि एक नदी पहाड़ से उतर करके मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है और उसके बीच में चट्टानों का ढेर लगा है ठीक है चट्टानों का ढेर लगा है तो वो नदी क्या करेगी उन चट्टानों के ढेर को तोड़ देगी अपने साथ जो दूसरे पत्थर शिलाओं को बहाकर ला रही है तो उन पत्थरों को तोड़ देगी पाषाण खंडों को तोड़कर अपने साथ बहा ले जाएगी तो उन पाषाण खंडों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को ही बोल्डर कांग्लो मरेट कहते हैं इतिहास की बहुत सारी चीजें आज, आज आप नई सीख के जाओगे एकदम नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी निम्न पुरा पाषाण काल से मैं जो है आप लोगों से गारंटी से कहता हूं कि ये बहुत ही कम लोगों द्वारा बताई जाती है बहुत कम लोगों द्वारा और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े दोबारा आपको इसका अध्ययन करने की जरूरत ना पड़े एक, एक बार अध्ययन कर लिया जाए बार बार अध्ययन नहीं करना है क्योंकि हमें समय बचाना है अपना तो बोल्डर कांगलो मरेट ऐसे समझो सोहन संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी भयंकर बारिश हुई और उस बारिश के पश्चात बोल्डर कांगलो मरेट नामक मैदानों का निर्माण हुआ और एक्चुअल में यही बोल्डर कांगलो मरेट नामक स्थानों से डी टेरा के जो एल कैम्ब्रिज दल था जो उस एल कैमब्रिज दल ने यहीं से दोस्तों पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की यानी जितने भी निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं लगभग में उत्तर भारत की संस्कृतियों के अधिकांशतः उपकरण इसी बोल्डर बोल्डर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं ठीक नामक स्थान से प्राप्त हुए अब यहां पर जो उपकरण मिले हैं उनको हमने कई प्रकार के नाम दिए हैं यहां से जो उपकरण मिले सोहन संस्कृति के अंतर्गत मिले तो इनको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया जैसे नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट में बोलते हैं इनको आरंभिक आरंभिक सोहन ठीक है आरंभिक सोहन नंबर सेकंड बोलते हैं उत्तरकालीन सोहन उत्तरकालीन सोहन ये उपकरण है या ये मान लो तो जो है इनके विकास का क्रम है पहले जो उपकरण मिले उनको हमने नाम दिया आरंभिक सोहन दूसरे प्रकार के जब बाद में उपकरण मिले उनको हमने नाम दिया उत्तरकालीन सोहन तीसरा जो है उसका नाम हो गया चौतरा चौतरा और लास्ट में लिख दीजिएगा विकसित सोहन लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा चौथा विकसित सोहन यानी ये जितने भी यहां से मिले हैं विकसित सोहन ये लिख देना तो सोहन संस्कृति के, के उपकरण मिले चार प्रकार के उपकरणों को हमने अलग अलग नाम दे दिया आरंभिक farmer, उत्तर सोहन उत्तरकालीन सोहन चौथरा और लास्ट में नाम दे देना है विकसित सोहन चौथरा चूंकि एक नामक एक स्थान का नाम है चौथरा एक स्थान का नाम है चौथरा चबूतरा से मिलता जुलता है तो जैसे हमारे कई सारे गांव हैं वहाँ पर चबूतरा को भी चौंतरा बोल देते हैं तो ये वो चौंतरा नहीं है कि किसी के घर के बाहर का बना चबूतरा ही उसको मान लो कि सर ये घर के बाहर किसी का चौंतरा बना होगा तो नहीं दोस्त ऐसा नहीं है ये एक स्थान विशेष का नाम है चौंतरा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है यानी कश्मीर में पड़ता स्थान है वहां से भी हमें औजार मिले हैं और ये कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पर दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति और उत्तर भारत की सोहन संस्कृति का मिलन स्थल था मतलब यहाँ पर जो है दक्षिण भारत से कुछ लोग आए और उन्होंने हैंडैक संस्कृति को यहाँ पर विस्तार किया ठीक तो ये चीजें इतना याद रखना कि इस बोल्डर कांग्लो मरेट का निर्माण हुआ और यहां से जो उपकरण मिले उनको हमने प्राक सोहन आरंभिक सोहन उत्तरकालीन सोहन चौतरा और विकसित सोहन का जो है नाम दिया है चलिए आप लोगों के कमेंट देख लेते हैं ए हिमयुग क्या है ये हिमयुग का मतलब होता है कि बर्फ का युग जब हमारी धरती पर अधिकांश था जलवायु बहुत ठंडी हो गई तो बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण हुआ था ठीक है उसी दौरान जो है हम बोलते हैं चार हिमयोग या पांच हिम देखो ये आप कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ही समझ में नहीं आ रहे हमारे एक से एक विद्वान हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनको भी ये चीजें नहीं समझ में आती मैंने शुरुआत में बोला भी है कि ये वो चीजें हैं जो लगभग लगभग लोग छोड़ देते हैं ठीक है जो लगभग लगभग छोड़ देते हैं पढ़ना ही नहीं चाहते और ऐसा नहीं है आप चूंकि एम का जो स्पेशली आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें उसने स्पष्ट बोला है कि हमें पाषाण काल का बहुत अच्छा अध्ययन चाहिए यदि पाषाण काल का आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो शायद फिर आप वहां का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओ अब यदि हमें अच्छा नॉलेज चाहिए है चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल हो चाहे आद ऐतिहासिक काल हो चाहे आपका ऐतिहासिक काल हो उसने स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिख रखा है और जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन आ गया है कि अब आपको पढ़ना ही है तो यहां इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो चीजें समझ में ना आए आप उनको जो है कुछ कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है जो भी चीजें समझ में ना आए आप मुझसे पूछते चलिएगा यस yes. ठीक है तो क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी लोगों तक मैं मानता हूं और आप लोगों को अभी लगभग चार पांच क्लासें ऐसे ही मिलेंगी जब तक आपका नौपाषाण काल नहीं आ जाता है हो सकता है कि नव पाषाण काल तक आपको कुछ ऐसे ही शब्द तो मिले ऐसे ही चीजें मिली जो समझ में ना जो लगे कि नए हैं और जहां पर नए चीजें आती हैं नए शब्द आते हैं तो लगता है कि क्या सर आज पढ़ा रहे हैं फिर भी जो है मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं कि सोहन संस्कृति के पहले तो मैंने स्थल बता दिए और उन स्थलों के बाद जो सोहन संस्कृति का क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र में बोल्डर कांग्लो मरेट ऐसे समझ लो कि किसी क्षेत्र में चट्टाने रखी हुई थी बड़े बड़े पत्थर रखे थे वहां से अचानक बारिश हुई और बारिश के बाद अचानक से बहुत तेज पानी आया और उस बहुत तेज पानी के कारण वहां की चट्टाने सारी की सारी बह गई अब अंदाजा लगाओ कितना भयंकर पानी आया होगा तो का, बोल्डर कांग्लो मरेट उसी को नाम देते हैं अब इसी बोल्डर कांग्लो मरेट से हमें सोहन संस्कृति के कई उपकरण मिले हैं वो उपकरण हमने किस कैटेगरी में माने हैं चार कैटेगरी में आरंभिक सोहन उत्तरकालीन सोहन चौथरा और विकसित सुहान ये उपकरणों के एक तरीके से प्रकार हैं अलग अलग काल में जैसे पांच वेदिका बनी पांच वेदिकाओं का अलग समय होगा एक बार बार सी एक वेदिका बनी दूसरी बार हुई तीसरी बार हुई तो लास्ट में एक युग समाप्त हुआ दूसरा युग स्टार्ट हुआ तीसरा युग स्टार्ट हुआ तो उसी प्रकार से यहां पर इन लोगों ने बांट दिया इतिहासकारों ने कि शुरुआत के जो लोग थे उन्होंने कैसे उपकरण बनाए तो उसके बाद के लोग जो थे उन्होंने कैसे उपकरण बनाए फिर कैसे हुए और लास्ट में बिक्से मतलब ऐसे उपकरण आ जाएंगे जो ज्यादातर जो है पत्थर के बने होंगे और उसके साथ साथ स्क्रेपर भी होगा बेधक भी होगा बहुत सारे उपकरण आएंगे ठीक है तो वो चीजें यहां पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आएगा यस yes. अब देखो जब ये दूसरे हिमयोग में दूसरे हिमयोग में पहली वेदिका का निर्माण हुआ पहली वेदिका का निर्माण हुआ तो पहली वाली वेदिका से जितने उपकरण मिले ठीक प्रथम वेदिका से आप लोग ऐसे लिख सकते हो प्रथम वेदिका से प्राप्त उपकरणों को नाम दिया गया आरंभिक सोहन आरंभिक सोहन जो अभी आपको लिखाया है मैंने वही प्रथम वेदिका से प्राप्त उपकरणों को हमने नाम दिया है आरंभिक सोहन और ये जितने भी हैं आरंभिक सोहन ये आपके निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं इनको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है पहली कैटेगरी है आ वा, सा, ऐसे समझ लेना यानी इसको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा तीन कैटेगरी वा और सा इन तीन कैटेगरी में बांटा अब ये जो तीनों कैटेगरी के औजार है, हैं उपकरण हैं आरंभिक सोहन में आ कैटेगरी के उपकरण ऐसे मिले हैं जो टूटे फूटे हैं दोस्तों कैसे हैं टूटे फूटे हैं टूटे फूटे उपकरण मिले हैं यहां से ठीक है और टूटे फूटे होने के साथ साथ इनमें बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई मिली है मिट्टी भी लगी है और बहुत ज्यादा घिसे हैं घिस घिसे गिस, मिले हैं ठीक तो ऐसे उपकरण जो है हमें आ कैटेगरी के जो बहुत पुराने हैं सबसे पुराने उपकरण इसी आरंभिक सोहन में ही मिले हैं सबसे पुराने उपकरण भारत में टूटे फूटे हैं कुछ हद तक जो है टूटे टूटे हैं एकदम सही सलामत नहीं मिले हैं ज्यादा मिट्टी लगी है काई भी लगी है मिट्टी भी लगी, लगी मिली इनसे और घिसे भी हैं बा श्रेणी के जो उपकरण हैं ये घिसे भी मिले हैं घिसे बहुत ज्यादा हैं जैसे यहाँ पर घिसे मिले हैं यहाँ पर भी घिसे हैं इनमें भी मिट्टी और काई लगी हुई मिली है Osionfish. मिट्टी और काई यहां पर भी लगी है लेकिन यहां से ये टूटे हुए नहीं मिले हैं टूटे फूटे नहीं हैं मतलब ये घिसे जरूर हैं और मिट्टी और काई मिली है लेकिन टूटे फूटे नहीं है सा कैटेगरी के जो उपकरण है यानी थर्ड कैटेगरी के जो उपकरण है ये नवीनतम उपकरण है इनकी अपेक्षा इन दोनों की अपेक्षा नवीनतम है इसका मतलब ये घिसे भी ज्यादा नहीं है बहुत कम घिसे हैं मिट्टी और काई भी बहुत ज्यादा नहीं लगी है और टूटे फूटे तो बिल्कुल भी नहीं है तो तीन प्रकार के जो उपकरण है वो प्रथम वेदिका से हमें आरंभिक सोहन के क्षेत्र के अंतर्गत मिले मिले हैं, इसके मिले हैं? ठीक इसके अंतर्गत अब यहां पर क्या होता है कि यहां से कुछ हमें हैंडेक्स के भी प्रमाण मिलते हैं मतलब ये जो फर्स्ट वेदिका है प्रथम वेदिका के उपकरणों को हमने आरंभिक सोहन नाम दिया और इसके साथ साथ यहां से हैंड के भी उपकरण मिले हैं इस चीज को भी नोट कर लेना कि यहां से हैंडेग के उपकरण मिले हैं बस दो चीजें याद रखना इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ बहुत ज्यादा नहीं प्रथम वेदिका का निर्माण हुआ दूसरे हिमकाल में आरंभिक सोहन आरंभिक सोहन उपकरण, उपकरण नाम दिए गए आरंभिक सोहन के उपकरणों को तीन कैटेगरी में बांटा गया इधर से हैंडेक्स संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं बस इतना याद रखना ठीक है अब आ जाइए अगला देखते हैं ये प्रथम युग हो गया प्रथम वेदिका हो गई अब तीसरे हिमकाल में देखिए तीसरे हिमकाल में दूसरी दूसरी वेदिका और तीसरी वेदिका का निर्माण हुआ ठीक है यानी दूसरे किनारे का सोहन नदी के दूसरे किनारे का एक और कगार बनी और एक और कगार बनी पहली कगार दूसरी कगार और तीसरी कगार तो तीसरी कगार से हमें प्रमाण नहीं मिले याद रखना तीसरी कगार से हमें कोई प्रमाण नहीं मिले कोई उपकरण नहीं मिले तो तीसरी कगार को हम छोड़ देंगे पांच कगार मिली हमें सोहन नदी घाटी की जब आप सोहन नदी किसी भी नदी के क्षेत्र में जाएंगे तो कई बार आपको एक मैदान मिलेगा नदियों के तो वही मैदानों को कगार को ही हम वेदिका कह रहे हैं तो जो लोग वेदिका ना समझ पा रहे हैं उनको समझा रहा हूं मैं ठीक है तो अब दूसरी जो कगार है दूसरी जो वेदिका है इस दूसरी वेदिका से भी हमें उपकरण मिले और यहां के उपकरणों को केवल दो कैटेगरी में बांटा गया है आ कैटेगरी में और बा कैटेगरी में बस ये दो कैटेगरी में उपकरणों को बांटा गया है दूसरी वेदिका के उपकरणों को नाम दिया गया है उत्तरकालीन सोहन उत्तरकालीन सोहन संस्कृति ठीक है उत्तरकालीन सोहन नाम दिया गया है दूसरी वेदिका के उपकरणों को अब यहां पर हमें आ कैटेगरी और बा कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी यानी दो कैटेगरी के उपकरण मिले ये आरंभिक सोहन आरंभिक सोहन का मतलब यहां इनकी अपेक्षा ये जो टूटे फूटे या जो भी नवीनतम इस जो नवीनता नाम दिया था इसकी अपेक्षा ये जो आ कैटेगरी के उपकरण हैं दोस्तों ये नवीनतम है इसकी अपेक्षा ये नवीनतम है और इसमें ऐसे उपकरण ज्यादा हैं जिनकी संख्या फलकदार होती थी ऐसे उपकरणों की संख्या अधिक है जो फलकदार हुआ करते थे ठीक है लेकिन बा कैटेगरी के, के उपकरणों में फलकदार भी मिलते हैं ऐसे भी मिलते हैं जो फलकदार उपकरण है और अगली संस्कृति जो मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है जिस जिस संस्कृति के उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं उसके भी हमें यहाँ पर अर्थात ब्लेड प्रकार के उपकरण भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर दोनों संस्कृतियों के जो है मिलजुल देखने को मिलते हैं दोनों कैटेगरी के मिले हैं दूसरी वेदिका में मतलब दूसरे किनारे पर चल करके तो हो ना हो आगे चल करके मानव विकसित हुआ आगे बढ़ा विकसित हुआ ठीक है और इस तरीके से आगे बढ़ता गया लेकिन यहां पर जो दूसरी वेदिका है इस दूसरी वेदिका से कोई जीवाश्म नहीं मिला एक बात जो है दोस्तों यहां पर बड़ी गजब बात है कि यहां पर मानव के उपकरण तो मिले लेकिन कोई जीवाश्म नहीं मिला मानव का कोई अभी जीवाश्म नहीं मिलने के कारण हो सकता है कि मानव यहां पर लंबे समय तक ना रहा हो या हो सकता है कि अभी हम वहां उस क्षेत्र में उस जगह पर ना पहुंचे हों जहां पर इनके जीवाश्म हो तो बस इतना याद रखना कि यहां पर अभी कोई मानव जीवाश्म जो है नहीं मिला है उपकरण जरूर मिले हैं दूसरी वेदिका से लेकिन किसी प्रकार का जो है जीवाश्म नहीं मिला है तीसरी वेदिका में कुछ है ही नहीं है उसमें यदि तीसरी वेदिका नोट में लिखो तो लिख देना कि यहां से कुछ मिला ही नहीं है ना तो उपकरण मिले हो ना ही जीवास मिला है अब जब चौथी वेदिका आते हैं दोस्तों चौथी वेदिका सोहन नदी घाटी की चौथी वेदिका यानी चौथा किनारा ठीक है चौथी वेदिका चौथा किनारा तो दोस्तों यहां से क्या मिला तो सोहन नदी घाटी की जो चौथी वेदिका होती है यहां पर ऐसा लगता है कि जो चौतरा जो चौतरा नामक स्थान है दोस्तों उस चौतरा से यहां पर हमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं ठीक ऐसा प्रतीत होता है कि हैंडेक संस्कृति जो है और उत्तर भारत की जो सोहन संस्कृति है वो यहीं पर मिलती है चौतरा नामक स्थान से तो इसमें लिख देना यहां पर ड संस्कृति के प्रमाण मिले हैं जिसे हम लोग मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं ठीक है तो मद्रासी संस्कृति के भी जो है यहां से प्रमाण मिले हैं तो बस इसमें जो है आप लोगों को इतना ही लिखना है और यह जो चौथा वेदिका है इस चौथे वेदिका में एक पॉइंट और लिख देना कि इनके उपकरणों को चौथी वेदिका के चौथी चो, वेदिका से प्राप्त उपकरणों को विकसित सोहन नाम दिया गया है चौथी वेदिका से प्राप्त उपकरणों को विकसित सोहन नाम दिया है यानी विकसित सोहन संस्कृति जो है नाम दिया गया है ठीक है तो कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के ठीक है तो कुल पांच वेदिकाएं बनाई थी जिसमें से मैंने आप लोगों को चार वेदिकाएं बता दी है और पांचवी जो वेदिका है पांचवी वेदिका ठीक है पांचवी वेदिका से केवल और केवल मिट्टी के मिट्टी के बर्तन के उपकरण मिले हैं मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं बस इतना याद रखना यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कोई हथियार तो नहीं मिले औजार तो नहीं मिले लेकिन मिट्टी के बर्तनों से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण जरूर मिले हैं यहाँ से पांचवी वेदिका से और इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि केवल सोहन संस्कृति जो है सोहन नदी घाटी तक ही क्षेत्र क्षेत्र में विकसित थी इसके अलावा भी सोहन संस्कृति भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलप हुई भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के फैली जिसमें से आप लोगों को शुरुआत में ही इन स्थलों का नाम बता दिया था दोस्तों जैसे ये सारे के सारे स्थल हैं स्थल हैं ठीक है, इस्थल है। इनके अलावा हमें कहाँ कहां से मिलती है तो ये पूरा याद रखिएगा एक मिनट ये है पूरा का पूरा स्थल अब जो लोग नोट्स में नहीं लिखे हैं तो पूरे निम्न पाषाण काल के स्थलों के नाम लिख लीजिएगा ठीक है पहला आप लोगों को लिख देना है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में लिदर नदी घाटी के निकट पहाल गाम नामक स्थान जम्मू कश्मीर में निम्न पाषाण काल का स्थल है लिदर नदी घाटी पंजाब में सोहन संस्कृति ये तो अभी लगभग इसी पर बात चल रही थी हिमाचल प्रदेश में मिला है हमें कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल है कांगड़ा कांगड़ा जो है निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल है इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र उत्तर उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी से पाषाणकालीन निम्नपुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए राजस्थान के चित्तौड़ से राजस्थान के चित्तौड़ से हमें जो है निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल मिले या उपकरण मिले इसी प्रकार से गुजरात में माही नदी और सावरमती नदी सावरमती नदी घाटी से प्रमाण मिले हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नंबर फर्स्ट में नर्मदा नदी और नंबर सेकंड सोन नदी सोन नदी घाटी से हमें कालीन उपकरण मिले हैं ठीक है ठीके? इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से आंध्र प्रदेश के नल्लूर से हमें जो है प्रमाण मिले हैं तमिलनाडु से तमिलनाडु में एक नदी घाटी है कोरतलयार यार, यार नदी घाटी तो तमिलनाडु के यार नदी घाटी से प्रमाण मिले हैं जिसमें दो स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को लिखाए भी जा चुके हैं जिसमें पल्लावरम भी है और अतिरम पक्कम भी है पल्लावरम और पक्कम ये हमारे तमिलनाडु के यार नदी घाटी से मिले हैं तो इन सभी स्थलों को आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा पूरे भारत के जो है निम्न पुरा कालीन स्थल है जहां से हमें निम्न पुरा कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं या निम्न पुरापाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार मिले हैं यहां से कुछ ना कुछ चीजें जो है मिली हैं यस yes. उम्मीद है ये आ गया होगा समझ में ठीक है अब इसके बाद अगली हेडिंग डाल दीजिएगा यह सोहन संस्कृति का हो गया इसके बाद अगली हेडिंग डाल दीजिएगा हैंडग संस्कृति दक्षिण भारत की हैंडग संस्कृति हैंड संस्कृति हैंडेग संस्कृति अब हैंडेग संस्कृति में स्पेशली हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहां का है ये वाले जो नीचे वाला एरिया है ठीक है ये जो तमिलनाडु का एरिया है यहां पर यहां पर दो स्थान याद रखना एक तो मद्रास में ही पढ़ते हैं दोनों स्थान नंबर फर्स्ट पल्लावरम नंबर फर्स्ट है पल्लावरम और नंबर सेकंड अतिरपक्कम अतिरम पक्कम ठीक है इन दोनों को हमने मद्रास से मिला है यहां पर जो भी उपकरण मिले वो मद्रास से इस कार से इसका नाम होता है मद्रासी संस्कृति ठीक है इस संस्कृति को हम नाम क्या देते हैं मद्रासी संस्कृति इसकी खोज यहां पर किसने करी है तो इसकी खोज करी है राबर्ट ब्रसफुट किसने करी है राबर्ट ब्रसफुट के द्वारा यहां पर खोज करी गई कब अठारह ईस्वी में ठीक है अठारह ईस्वी में राबर्ट ब्रसफुट के द्वारा इस संस्कृति की खोज करी गई ठीक है इस संस्कृति की खोज करी गई तो ये लोग आप लोग लिख दीजिएगा कि निम्न पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी वो राबर्ट के द्वारा ही दी गई थी 1863 में और इन्होंने कहा से क्या खोजा है तो यहां से जो है इन्होंने हैंडेक संस्कृति को खोजा है बस इतना ही याद रखना और इसी प्रकार से आप जब इसमें बहुत ज्यादा डेप्ट में पढ़ोगे तो ये जो हमारी कोतल्यार नदी घाटी है दक्षिण भारत में कोतल्यार नदी घाटी है तमिलनाडु में कोरतल कोर्तल यार नदी घाटी से भी हमें तीन प्रकार की वेदिकाएं निर्माण मिलती हैं तीन प्रकार की वेदिकाओं के निर्माण मिलते हैं और तीनों प्रकार की वेदिकाओं में हमें हैंडेक्स उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं यानी तीनों जगह से हैंडेक्स उपकरण मिले हैं हैंडेक्स का मतलब ऐसे उपकरण जो कुल्हाड़ी के जैसे हुआ करते थे ठीक है कोलहाड़ी के जैसे हुआ करते थे इनमें धार अधिक हुआ करती थी अर्थात ये ऐसे उपकरण भी थे जो कोर जिनके कोर बहुत पहने हुआ करते थे कोर मतलब कौन है जैसे भाला जानते होंगे ठीक है भाला या बरछी आप लोगों ने देखी होगी बरछी तो ये बर्छी भाला ये जितने भी उपकरण है कोर टाइप के उपकरण है और एक कोर टाइप के उपकरण होने के कारण ये पूरी जो निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है इसको हम कोर संस्कृति भी कहते हैं इसलिए आप लोग नोट्स में लिख दीजिएगा कि ये कोर संस्कृति भी है ठीक है निम्न कालीन को हम कई प्रकार की संस्कृतियों के नाम से जानते हैं आप लोग उन सभी संस्कृतियों के नाम मैंने पहले भी बताए हैं और अभी फिर से आप लोगों को इनका याद दिला, दिला देते हैं कि निम्न कालीन संस्कृतियों को किन किन नामों से जानते हैं तो नंबर फर्स्ट सोहन संस्कृति कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि यह संस्कृति का संबंध कहां से है इसी सोहन संस्कृति को हम लोग नाम से जानते हैं चापर चापिंग चापर चापिंग पेबल संस्कृति इसी को हम लोग जानते हैं ठीक है, है? तीसरा इसका नाम होता है दक्षिण भारत में ये उत्तर भारत की है याद रखना ये उत्तर भारत की दक्षिण भारत में इनको जानते हैं हम लोग मद्रासी संस्कृति मद्रासी संस्कृति और दक्षिण भारत में ही इसको हम हैंडक्स संस्कृति भी कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं तो ये दक्षिण भारत में है और ये उत्तर भारत में विख्यात है तो ये आप लोगों को आज मैंने पूरा का पूरा जो है बता दिया है कि किस प्रकार से सोहन संस्कृति क्या है और जो है हैंड संस्कृति क्या है ठीक है क्लास को शेयर कर देना सभी लोगों के पास आप लोग क्लास जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज पाते हैं और एक चीज़ और याद रखना कि जो दक्षिण भारत से हमें जो संस्कृति के प्रमाण मिले हैं ठीक है ये एक स्थान है बदु मदुरै ठीक है बद का एक क्षेत्र है एक तरीके से प्रेजेंट टाइम का उस बद मदरय नामक स्थान से ही एक और नदी घाटी या जो पल्लावरम है या अतिरम पक्कम है यहाँ पर ये यह स्थित हैं और यहीं से हमने पूरा का पूरा हैंडेक्स जो है खोजा है यस तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप क्लास के बाद कमेंट कर दीजिएगा कल हमारी जो क्लास होगी वो दो टॉपिक पर होगी पहला होगा मध्यपुरा पाषाण काल और दूसरा हमारा टॉपिक होगा उच्च पाषाण काल कल का जो हमारा टॉपिक होगा उच्च पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल आप लोग भी इसको पढ़ के आइएगा पाषाण काल और दूसरा हमारा टॉपिक होगा उच्च पाषाण काल दोस्तों हम यहां पर बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं जो सिलेबस में डिमांड करी गई सिलेबस जिस तरीके से आज डिमांड कर रहा है चाहे वो आपका एम हो चाहे वो आपका यू हो चाहे वो आपका आई एस पी का यू का एग्जाम ही क्यों ना हो आज के समय में आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा जो है चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कंपटीशन कितना और टफ होता चला जा रहा है अब ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से क्या मटेरियल प्राप्त करें हालांकि हालांकि मटेरियल के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं मार्केट से बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इन चीज़ों को हम कलेक्ट कैसे करें पढ़ें कैसे समझ में कैसे आए क्योंकि जब आप किताबों में इनको पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि जब मैंने पहली बार किताबों में पढ़ा था तो बहुत परेशानी हुई थी बहुत ज़्यादा और जब एक बार टीचर के माध्यम से जब उनको पढ़ा समझा तो अब जब कभी पढ़ते हैं उन टॉपिक को तो समझ में भी आता है और बहुत अच्छा मज़ा भी लगता मज़ा भी आता मतलब एक इंटरेस्ट आता है पढ़ने में ये लगता है कि ये चीजें हमने जानी है और इसमें कितना और अच्छे तरीके से जान सकते हैं तो मैं उसी तरीके से आपको यहां पर एक एंट्रो करा रहा हूं एक एक तरीके से आपका परिचय करा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट हो जाए किताब को पढ़ने को लेकर के हालांकि यदि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ लोगे बहुत मन से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो निशुल्क क्लास चल रही है चाहे वो आपकी पॉलिटी की हो चाहे वो आपकी हिस्ट्री की हो दोस्तों कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्लास सर्वश्रेष्ठ है मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यहां पर जो मैटर दे रहा हूं मैं यही मैटर आपको हजारों की फीस देने के बाद मिलेगा हजारों की फीस बड़ी बड़ी संस्थानों में मैंने पढ़ाया है जैसे आपके कई सारे संस्थान हैं जो विद्यार्थी मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है अब उन्हीं संस्थानों में जब मैं वहां पढ़ाता था तो इसी चीज को पढ़ने के लिए विद्यार्थी हजारों रुपया पेमेंट करता था हजारों रुपया और यहां पर जो है एकदम आप लोगों को निशुल्क मिल रहा है और मैं बस यही कहूंगा कि इसका फायदा लीजिए और ना केवल खुद तक बल्कि अपने जितने दोस्त यार हैं उन तक भी जो भेजिए कल हम तीन बजे पुनः इतिहास की इसी क्लास में मिलेंगे दोपहर तीन बजे ठीक है शाम पाँच बजे आपकी पॉलिटी की क्लास छः साढ़े छः बजे विज्ञान की क्लास और रात नौ बजे प्रैक्टिस की क्लास सभी की सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेंगी अभी तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं पुनः जो है मुलाकात करेंगे चलिए दोस्तों थैंक यू